सदर मनमेकर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। ईवान सदर का कहना है कि सदर मनमेकत ने कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58 के तहत की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानब से कौमी असम्बली तोड़ने की समरी सदर मनमेकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई थी, जिसमें सदर से अबूरी हुकूमत तश्कील देने की भी दरख्वास्त की गई थी। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही मौजूदा हुकूमत और वफाकी काबीना भी खत्म हो गई, जिसके बाद आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्राम वज़ीर आज़म की तैनाती तक वज़ीर आज़म रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्राम वज़ीर आज़म के तकरर के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलेंगे। पीपल्स पार्टी ने ग्राम वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदक हुसैन जिलानी का नाम तजवीज कर दिया, जबकि एनक्यूएम की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरे का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज किया गया है।